सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। चाइल्ड वाज मर्डर्ड। कल का जो सीक्वेंस था बुरा, कब आया, कैसे अंदर गया, ये थोड़ा बता दीजिए। कल कैसे क्या था ये आप समझ लीजिए। आप सर सबसे पहले ये ऐसा सीन है कि सुनील को पहले से ये पता लग गया था कि इसने मर्डर किया, क्योंकि दो स्टूडेंट्स का भी जिक्र आ रहा है कि उन्होंने वहाँ देखा, तो स्कूल ने क्यों नहीं समय रहते इसको इन्फॉर्म किया? Well, you can see the Gurgaon Police Commissioner addressing the media, trying to take questions from the media on. अभी मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन प्रीलिमिनरी स्टेज पे, इस समय फाइनलाइज करना, मैं फाइनल आपको एक एक का किसका क्या क्या रोल था इस समय कहना उपयुक्त नहीं होगा, परंतु जैसा मैंने आपको बताया 3 दिन के पुलिस रिमांड पे हमारे पास, और अगले 7 दिन के अंदर अंदर हम इन्वेस्टिगेशन को फाइनलाइज करके जिस जिसका जो जो रोल होगा वो कम्प्लीटली क्लैरिफाई करके आउटलाइन करके वो हम चालान में देंगे। इस समय उसका रोल जो जो बस का कंडक्टर था उसका रोल स्पष्ट आया है सामने। यदि किसी और का कोई रोल होगा, उसका इंटरोगेशन चल रहा है, उसी का निकल के आता है रोल, उसको भी हम happy that the Gurgaon police have highly managed to arrest you, but what about the action which is supposed to be taken against the deputy commissioner? Has already briefed about this. See, as action. I have already told that as of now, since a 3-member committee is examining the compliances of school safety guidelines, we are waiting for the report. But as an interim measure, school management has suspended the principal who was there in charge, and at the same time they have removed those guards and security agencies which were providing security services to the school. Meanwhile, we are also ordering a comprehensive audit of all schools in the district. They'll be given 15 days to submit a self certificate about compliances in the guidelines, and post 15 days there will be a random checking of schools, and if somebody is found violating these rules, then appropriate action as per education sir, rules will be taken. If the police has fits that within 7 days they will be filing a charge sheet, have you also decided the duration of this committee in which they have to give the report? The committee is expected to deliver their report to me by Monday, and based on their report on Monday we'll be taking further action. सर के आपने अपने टेक्निकल तौर पर उससे पूछताछ की, उसको निकाला, क्या स्कूल ने इसमें आपकी कोई? देखिए, इससे ज्यादा इस समय कहना उपयुक्त नहीं होगा। आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट एंड आई डोंट वांट टू रिवील टू मेनी डिटेल्स ऑफ माय इन्वेस्टिगेशन, व्हिच इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू, परंतु जो मैंने आपको बताया कि 7 डेज के अंदर वी शुड बी एबल टू वाइंड अप इन्वेस्टिगेशन, विच विल बी अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन विच विल मीट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल पार्टीज कंसर्न, एंड I hope that should answer all your questions. देखिए, एफ आई आर तो जहाँ तक एफ आई आर में किसी का नाम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है। सर, ऐसा है, स्कूल की लापरवाही, आप सिक्योरिटी लैप्सेस की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या उसमें लैप्सेस है और जो प्रबंधन के ऊपर? ऐसा है, डिप्टी कमिश्नर ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि क्या सिक्योरिटी लैप्सेस थे, कितने थे, कौन उनके लिए लायबल है, क्या सिक्योरिटी लैप्सेस थे, यदि कोई सिक्योरिटी लैप्सेस थे क्या थे लैप्सेस, और उनकी लायबिलिटी किसकी है, इसको इसका आकलन करने के लिए एक कमेटी सेटअप हो चुकी है। उस कमेटी की रिपोर्ट मंडे तक एक्सपेक्टेड है, और हम उसको उस रिपोर्ट को प्री जज नहीं करना चाहेंगे। लेट अस अवेट द रिपोर्ट। वी बिलीव वी हैव एवरी रीजन टू एक्सपेक्ट दैट दैट रिपोर्ट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। कई बार रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन होता है, हम एक हाफ हार्टेड और हेस्टी जॉब नहीं करना चाहते। लेट अस डू इट प्रॉपरली एंड लेट अस गिव द कमिटी रिपोज इन द फेथ इन द कमिटी दैट दे विल डू देयर जॉब प्रोफेशनली। देखिए, एविडेंस हम चालान में प्रेजेंट करेंगे। इस समय आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस एविडेंस इन दिस आरोपी पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? नहीं, अभी तक उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस वाला जांच करेंगे, 2 दिन में रिपोर्ट आई तब कार्रवाई करेंगे। ये वही रियान स्कूल है जिसमें पहले भी इस तरह घटना सामने आती, क्या उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं मिली क्या प्रशासन को, क्या लैप्स थे पहले, जो पहले हादसा हुआ था इसी स्कूल में? देखिए, जो भी इंसिडेंट, मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, समिति की रिपोर्ट कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है।
वो पुलिस पक्ष को करना है, इसीलिए इसमें दो दिन का समय दिया है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होगा स्कूल की सेफ्टी का, जिसमें इनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके पुलिस वेरिफिकेशंस हुई हैं नहीं हुई हैं, सिक्योरिटी कैमराज कितने हैं, कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं, एक डिटेल्ड ऑडिट होगा, इसीलिए इनको 48 घंटे पहले जो आज तक नहीं आई आज तक क्या कई महीने हो गए उस बात को, पिछले अगर कोई इंसिडेंट विद्यालय का रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। संदीप जी, ये जो का होता वेरिफिकेशन। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।